हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं केमिस्ट्री में क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर है पॉलीमर्स, उसके नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं 1988 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत सारे चैप्टर करवा चुके हैं केमिस्ट्री के और ये सभी सीरीज़ हम कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाले अदर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर अदर चैप्टर्स भी हम करवा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हम चैप्टर्स करवा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि वो जो क्वेश्चन है, अगर वो एनसीईआरटी में पूछा गया तो वो एनसीईआरटी में किस पेज नंबर पे उसका क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, वो भी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है 2021 वाला एडिशन उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, यानी इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन दिया गया सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, सेकेंड है पॉली ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, सी है पॉली ब्यूटाडाइन एंड डी है पॉली ब्यूटाडाइन एक्रियोनाइट्राइल। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो नेचुरल पॉलीमर नेचुरल रबर जो है वो एनसीईआरटी पेज नंबर 439 पर मिल जाएगा और नेचुरल पॉलीमर जो है वो बनता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन से। यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल आ जाएगा ऑप्शन ए, जो कि नेचुरल रबर जिसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टू है उड़ीसा नीट 2019 में द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन द मेकिंग कमर्शियल फाइबर, यानी कमर्शियल फाइबर बनाने के लिए जो वुल होता है उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जा सकता है, मेलामाइन, नाइलॉन 6,6, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल या फिर ब्यूना एन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 436 पर मिल जाएगा, जो एग्जाम्पल 15.1 लिया है उसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो पॉली एक्रियोलो नाइट्राइल होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर द सब्स्टिट्यूट फॉर द वूल इन द मेकिंग कमर्शियल फाइबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नीट 2018 में है रिगार्डिंग द क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, यानी हमें बताना है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। ऑप्शन दिया गया दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, यानी जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, नेटवर्क होते हैं, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन वेरियस लिंकर पॉलीमर चेन। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंसेप्ट है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है उसी में जो पैराग्राफ्स दिए हैं वहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ जहाँ पर जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर, ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर हो सकते हैं। इसके अलावा मोनो फंक्शनल मोनोमर जो होते हैं उससे भी पॉलीमर बन सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। सी है एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन, सही है। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन, ये भी बिल्कुल सही है कि वहाँ पे जो उनके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब देखिए इस टाइप से, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग तो हमें मिलना चाहिए बोनस जो भी मिला था, बट फिर भी यहाँ पर अगर हम बताएं कि यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन डी, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग लीनियर पॉलीमर चेन, इन देयर लीनियर पॉलीमर चेन, बस इतना नहीं लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको आंसर दिया गया था। बट अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये जो आंसर है ये कहीं से ऐसा नहीं है कि ये इनकरेक्ट है, बट यहाँ पर बोलेगा कि दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो हमें ही पता है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होती है वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, अगर ये लिख देते तो कहते ये सही हो जाता, अब बोला तो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो बट यहाँ पर इसको जो है वो गलत बताया गया है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नाइलॉन 6,6 पॉलीमर, यानी नाइलॉन 6,6 पॉलीमर का कौन सा होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 437 पर नाइलॉन 6,6 का डायरेक्टली जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है, कहाँ पे, एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 4337 पे। अब यहाँ पर ये 66 लिख दिया और ये ऐसा नहीं है कि ये नाइलॉन 66 हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर ये भी हमारे सामने जो ये स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, इसके बाद में हम ये देखते हैं तो ये भी नहीं आएगा हमारे सामने, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, तो फिर हमारे सामने कौन सा आएगा, हमारे सामने जो ऑप्शन डी है यही आएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसकी मिरर इमेज जो है वो दी हुई है, मतलब ये एनएच इधर है, फिर आपको ये मिलेगा, फिर ये इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगा दिया हुआ, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इस टाइप से दिया है, बट जो नाइलॉन 6,6 का है वो यही वाला स्ट्रक्चर आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
ओके नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल रबर हैज, नेचुरल रबर में क्या होता है, अल्टरनेट सीस एंड ट्रांस कॉन्फिग्रेशन, रैंडम सीस एंड ट्रांस कॉन्फिग्रेशन, या फिर ऑल सीस कॉन्फिग्रेशन, या फिर ऑल ट्रांस कॉन्फिग्रेशन। तो आपको बताया था कि सबसे पहला क्वेश्चन नेचुरल रबर एनसीईआरटी पेज नंबर 439 पर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या होता है सीस कॉन्फिग्रेशन होती है, तो ऑल सीस कॉन्फिग्रेशन किसमें मिलेगी, नेचुरल रबर के अंदर मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है। ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, यानी जो कैप्रोलैक्टम है उसको यूज करके हम क्या चीज बनाते हैं, टेफ्लॉन बनाते हैं, टायरेलिन बनाते हैं, नाइलॉन 6-6 बनाते हैं, या फिर नाइलॉन 6 बनाते हैं। तो यहां पर हम क्या बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं नाइलॉन 6। जो कैप्रोलैक्टम होता है स्ट्रक्चर होता है उसको हीट किया जाता है 533 से लेकर 543 केल्विन पर, उसके अंदर जो है वो H2O भी ऐड किया जाता है और फिर यहां पर बनता है क्या, नाइलॉन 6 बन जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, पेज नंबर 438 पे दिया हुआ है नाइलॉन 6 के अंदर। ओके नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिक पॉलीमर, हमें बताना है कि कौन सा यहां पर एक थर्मोसेटिक पॉलीमर हो सकता है। ओके सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे सामने CH2CCCl CH2, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये दिया हुआ है नियोप्रीन का स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी के पेज नंबर 441 पे, और ये थर्मोसेटिक पॉलीमर नहीं होता है। नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा पीवीसी, जो पीवीसी पाइप होता है उसमें जो पॉलीविनाइल क्लोर, तो ये हमारे सामने यहाँ पर होता है स्ट्रक्चर, टेबल 15.1 में दिया हुआ है, बट ये भी थर्मोसेटिंग का एग्जांपल नहीं है, हमसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर पूछा है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारे सामने जो दिया हुआ डायग्राम, ये हमने पहले भी देखा हुआ अगर आपको याद आ रहा हो कहीं, तो ये नाइलॉन 6-6 का है, पेज नंबर 437 भी दिया हुआ, बट ये थर्मोसेटिंग का नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 438 पर ये डायग्राम दिया हुआ है, और बेकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है। ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म द पॉलिएस्टर डेकरॉन, यानी इनमें से बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पॉलीमराइज करके पॉलिएस्टर डेकरॉन बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर को लिया जाता है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करके पॉलिएस्टर डेकरॉन बनाया जाता है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर जो 437 है उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा डेकरॉन का क्या बोलते हैं, डेकरॉन को बोलते हैं टेराइलिन, जो टेराइलिन होता है उसी को डेकरॉन बोलते हैं। और ये किससे बनता है, इसके अंदर मेनली दो चीज़ यूज होती है, एक तो होता है आपका टेरेप्थेलिक एसिड और एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इन दोनों को मिलकर बनाया जाता है डेकरॉन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया नाइलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, नाइलॉन किसका एग्जांपल है, पॉलीएमाइड का, पॉलीथीन का, पॉलीएस्टर का, पॉलीसेक्राइड का, तो ये भी जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 437 पे जो नाइलॉन है वो एग्जांपल आपका पॉलीएमाइड का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग, यानी इनमें से नियोप्रीन जो है उसका कौन सा मोनोमर है, यानी कौन से मोनोमर से नियोप्रीन जो है वो बनेगा, 2013 और 2003 में यही सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो बनता है वो जो क्लोरोप्रीन होता है उसके मोनोमर से बनता है, किसके, जो क्लोरोप्रीन होता है उसके मोनोमर से बनता है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 441 पर आपको ये मिल भी जाएगा, और जो क्लोरोप्रीन है वो ये हमारे सामने ये वाला, इसी से बनता है क्या, नियोप्रीन बनता है। तो हमारे आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 441 पे मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, अब बोला गया है मेलामाइन, ग्लिप्टेल, डेक्रोन और नियोप्रीन, तो यहाँ पर कौन सा एक जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अब कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 437 से लेके 439 तक दिए गए हैं, उसमें मेलामाइन आ जाता है, डेक्रोन आ जाता है, ग्लिप्टेल आ जाता है, बट नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर है, क्या है ये, एक सिंथेटिक रबर है, ये आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेलुलोज, नाइलॉन 6-6 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, द बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल और इन दोनों का लिंक करके चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है,
तो मैं बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 437 पे जो लिखा हुआ है वो आपका नेचुरल रबर जो होता है वो इलास्टोमर होता है, बट जो नाइलॉन 6/6 होता है वो एक फाइबर होता है, इलास्टोमर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये गलत लिखी गई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिएस्टर पॉलीमर, इनमें से किसको पॉलिएस्टर पॉलीमर बोला जाता है, टेराइलिन को, बेकलाइट को, मेलामाइन को या फिर नाइलॉन 6/6 को। एनसीईआरटी के पेज नंबर 437 पे डायरेक्टली ये मेंशन किया गया कि पॉलिएस्टर बोलते हैं टेराइलिन को, जिसको डेक्रोन भी बोला जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नियोप्रीन पॉलीमर, हमें बताना है कि नियोप्रीन पॉलीमर जो है उसका स्ट्रक्चर कौन सा है। अभी हमने बात की थी जो क्लोरोप्रोमीन होता है वो मोनोमर होता है, वही जो है मिलकर बनाता है किसको, नियोप्रीन को। कौन सा पेज नंबर बताया था, एनसीईआरटी का पेज नंबर 441 बताया था, जहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। अब हमें बताने इनमें से कौन सा है, तो ये वाला जो है यही वाला तो हमारा क्या बनाएगा, नियोप्रीन बनाएगा। क्या बनाएगा, नियोप्रीन वाला स्ट्रक्चर जो है उसको बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बनता है ऑप्शन ए। सेकेंड वाला जो है वो भी नहीं बनाएगा, थर्ड वाला भी नहीं बनाएगा और फोर्थ वाला भी नहीं बनाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन विच वन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन सा है करेक्टली प्रेजेंटेड नहीं है। नियोप्रीन में बोला गया हमारे सामने ये स्ट्रक्चर दिया गया है, टेराइलिन का ये स्ट्रक्चर दिया जिसको डेक्रोन भी बोलते हैं, नाइलॉन 6/6 का दिया, टेफ्लॉन का दिया है, तो इनमें से कौन सा है। अब देखिए नियोप्रीन में कितने कार्बन दिए, ध्यान से आप यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और हमने अभी अभी बताया था नियोप्रीन वाला, और यहाँ पे काउंट कीजिए कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो हमारे सामने यहाँ पर एक कार्बन जो वो एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है नियोप्रीन का वो नहीं आएगा। नियोप्रीन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो गलत लिया गया है, और बाकी सभी जो वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं टेराइलिन डेक्रोन बता चुके हैं, नाइलॉन 6/6 और टेफ्लॉन ये कई बार आ भी चुके, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर जो वो 16 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है। ओके, ब्यूना एस इज ए को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, यानी स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन मिलकर बनता है ब्यूना एस। नेचुरल रबर इज ए 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, यानी नेचुरल रबर जो होता है 1,4 पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। सी है इन वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट चेन मेक्स द रबर हार्डर एंड स्ट्रोंगर, एंड ऑप्शन डी है नेचुरल रबर हैज़ ट्रांस कॉन्फिग्रेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। नेचुरल रबर का हमने पहले क्वेश्चन से लगे थे, हमने बताया था कि इसमें सिस फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ट्रांसफॉर्म होती है, ऐसा नहीं, यहाँ पे सिस फॉर्म होती है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 440 पर ये आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कौन सा है जो हमारे सामने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। तो आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे पेज नंबर 437 से लेकर 439 में कंडेंसेशन पॉलीमर जितने भी दिए उन सबके बारे में लिखा गया है। इनमें से टेफ्लॉन, नेचुरल रबर, स्टाइरिन और नाइलॉन 6/6, इनमें से कौन सा होगा, इनमें से होगा नाइलॉन 6/6। ये जो आपका होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, नेचुरल रबर नहीं होता है, टेफ्लॉन जो होता है वो एडिशन होता है, स्टाइरिन में एडिशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे सामने दिया गया वापस ये NHCS2 का 6 और NHCOCS2 का 4 और CO, और ये हमारे सामने दिया गया है एक पॉलीमर, ये क्या है, होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, एडिशन है या फिर थर्मोसेटिक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसका डायग्राम दिया गया, ये डायग्राम दिया गया नाइलॉन 6/6 का, इसी नाइलॉन 6/6 का जो ऊपर बात करके आए हैं, और वो कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, यानी कोपॉलीमर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, यानी ये जो हमारे सामने पॉलीमर है इसका मोनोमर कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, या फिर हमारे सामने ये वाला हो सकता है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा इस पॉलीमर का मोनोमर है, तो इस पॉलीमर का मोनोमर आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन कार्बन हमें मिलेगी, तो यहाँ पर ये कार्बन के साथ में इस टाइप से ये ट्राइपल जो है टर्सरी कार्बन है, तो इस टाइप से हमारे सामने जो टर्सरी यहाँ पर ये हमारे सामने जो कार्बन का मोनोमर होगा, तो ये वाला मोनोमर से ये वाला पॉलीमर बनेगा, यही मोनोमर होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर, इनमें से कौन सा एक चेन ग्रोथ पॉलीमर है, स्टार्च है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलिस्ट्रीन है या फिर प्रोटीन है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 439 पे डायरेक्टली ये लाइन है और यहाँ पे पॉलिस्टीरीन जो है वो क्या है, एक चेन ग्रोथ पॉलीमर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, एक्रिलन इज ए हार्ड होल्डिंग एंड ए हाई मेल्टिंग मटीरियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रक्चर, एक्रिलिन का स्ट्रक्चर बताना है। अब एक्रिलिन का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 436 पर। अब ये हमारे सामने दिया गया कि क्या ये वाला जो है वो एक्रिलिन का स्ट्रक्चर है CH2CHCN, या फिर हमारे सामने ये वाला CH2 यहाँ पे CH3 और फिर COOCH3, या फिर हमारे सामने ये वाला CH2CHCOC2H5, या फिर ये वाला CH2CHCl। तो हमारे एक्रिलिन का पूछा गया, तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, एक्रिलिन का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है, मोनोमर ऑफ, इसका मोनोमर बताना है, ये वाला जो हमारे सामने स्ट्रक्चर दिया गया है ये कौन सा मोनोमर है, मिथाइल प्रोपीन है, स्टाइरीन है, प्रोपाइलीन है या फिर इथीन है, तो हमें बताना है कि ये जो मोनोमर है ये किसका है, इससे क्या चीज़ बन सकती है। तो यहाँ पर मिथाइल जो प्रोपीन है आप देख सकते हो 1, 2 मिथाइल है यहाँ पर सेम, और फिर ये प्रोपीन है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये सी, ये जो मोनोमर है ऑफ दिस इज मिथाइल प्रोपीन, इसका जो मोनोमर होगा वो होगा मिथाइल प्रोपीन, क्लियर है, जैसा कि सेम क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था उस टाइप से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कौन सा है करेक्टली मैच नहीं है, ये नियोप्रीन का दिया हुआ है कि क्या ये नियोप्रीन का है, तो जी हाँ ये नियोप्रीन का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन है, CL इस टाइप से हम देख चुके हैं। फिर नाइलॉन 6 का वापस से स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये NH2 फिर CH2 6 फिर NHCO CH2 H4 और ये CCO, ये नाइलॉन 6 का है। यहाँ पर दिया गया है टेराइलिन, ट्राइलिन में यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने टेराइलिन का दिया हुआ है, तो टेराइलिन में क्या दिक्कत आएगी, टेराइलिन में अगर आप जाओगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 437 पे, तो यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आएगा, ये C2HCO तो है ही, बट यहाँ पर एक और ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है इन दोनों के बीच में, CH2 और C के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, तो वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए ये गलत लिखा गया, तो ये टेराइलिन का स्ट्रक्चर जो वो गलत दिया गया है, और नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर दिया गया ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया, CF2 इज अ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, ओरलॉन, पॉलीथीन, नाइलॉन, तो ये किसका है, टेफ्लॉन का है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 436 पे आपको मिल जाएगा, टेफ्लॉन के बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंपाउंड फॉर्म द लीनियर पॉलीमर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, इन कंपाउंड से कौन सा एक लीनियर पॉलीमर बन सकता है, H2O, NH3, HF, HCl, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसके अंदर एक लीनियर पॉलीमर बन सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबर है वो किसका पॉलीमर है, स्टाइरिन का, इथाइन का, ब्यूटाडाइन का या फिर आइसोप्रेन का। नेचुरल रबर क्वेश्चन नंबर 1 से लगे थे और अभी तक अगर नहीं आया तो फिर अब आपको कब आएगा, पेज नंबर 439 पे दिया है, आइसोप्रेन का पॉलीमर होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया, टेराइलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, जो टेराइलिन होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, इसके साथ में और क्या मिलाया जाता है, सैलिसाइक्लिक एसिड बनाया जाता है, टैलिक एसिड बनाया जाता है, बेंजोइक एसिड बनाया जाता है या फिर टेरेप्थैलिक एसिड बनाया जाता है, तो इनमें से कौन सा एसिड जो होता है वो यूज़ किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में डेक्रोन यानी टेराइलिन को बनाने के लिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 437 इसका यूज किया जाता है, टेरेप्थैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल मिलकर बनता है टेराइलिन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, किसके द्वारा हम नॉन स्टिक कुकवेयर बना सकते हैं, पॉली इथाइलिन टेरेप्थैलेट या फिर बोला गया है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन या फिर PVC या फिर पॉलीस्टाइरिन, किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो ये जो नॉन स्टिक होते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर टेफ्लॉन के द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन के द्वारा, और ये कहाँ पे दिया गया है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 436 पे टेफ्लॉन दिया गया है, और टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, उसी को बोलते हैं टेफ्लॉन शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया था बैकलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, जो बैकलाइट होता है वो किस किस के बीच में रिएक्शन करके बनता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 438। अब आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बनाया जाता है आपका फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करवा के, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, ब्यूना एस है, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है या फिर नाइलॉन 6 है। तो यहाँ पर जो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है वो क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब आप कहोगे क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 442 पे। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बना सकती है। CH2CHCN एक तो ये हो गया, और एक हो गया CH2CHCH2। क्या इन दोनों को मिलकर हम एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बना सकते हैं, यानी इनडायरेक्टली आपको वो मोनोमर पता होने चाहिए जिसके द्वारा हम एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं NH2CH2COOH, सेकेंड है NH2CH2 5COOH। ये दोनों जो हैं वो मिलकर बनाते हैं किसको, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये उसके मोलिमर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। ओके अब हम बात करते हैं नीट 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, डेक्रॉन टेफ्लॉन नाइलॉन 66 या फिर नोवलेक। तो यहाँ पर डेक्रॉन नाइलॉन 66 नोवलेक ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर आते हैं, 437 से 439 पेज नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट टेफ्लॉन जो होता है वो एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी, और यहाँ पर इसका आंसर जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 436 पर भी आपको मिल जाएगा टेफ्लॉन के बारे में। एक एडिशन पॉलीमर है और इसके मोनोमर भी आपको पता है CF2CF2 होता है। ओके क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2022 के क्वेश्चन की। नीट 2022 का क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, यानी पॉलीमर के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है इलास्टोमर हैव पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो इलास्टोमर होते हैं वहाँ पर जो चेन होती है वहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देखने को मिलती है। सेकेंड है फाइबर पोजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो फाइबर होते हैं वहाँ पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन द हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली, एंड डी है थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। तो हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे सामने जो है वो पेज नंबर 438, कौन सा पेज नंबर 438 पे लिखा है, एक एग्जांपल है बैकलाइट, और बैकलाइट जो है वो क्या, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और वहीं पर एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, कैन नॉट बी रीयूजेबल, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि यार रीयूजेबल। तो ये क्या हो गई, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो हमारा आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन फोर्थ, दैट इट इज नॉट रीयूजेबल आना था, बट इन्होंने बोला कि ये रीयूजेबल हो सकता है, तो ये एक गलत हो गई। क्लियर है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।